तो आज मैं एक बहुत सिंपल रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है वेज कटलेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लीजिए और उसको थोड़ा हीट कीजिए। हीट करने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल डालिए, फिर 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली डालिए और 1 टेबल स्पून जिंजर डालिए। अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई करें। अभी 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालिए और प्याज को भी अच्छे से फ्राई होने दें। अभी 1/2 कप बीटरूट डालिए और 1/2 कप कैरेट डालिए और 1/2 कप फ्रेंच बीन्स डालिए और 1/2 कप बॉइल पीस डालिए यानी कि मटर। अभी सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर ले। अभी 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालिए, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। सब मसाले को अच्छे से पैन में डाल दीजिए। अभी अच्छे से मिक्स कर ले। सब सब्जियों को अच्छे से पका ले। अभी 3 बॉइल्ड स्मैश्ड पटेटो डालिए और अच्छे से मिक्स कर ले। अभी 1 टेबल स्पून कोरिएंडर डालिए और अच्छे से मिक्स कर ले। हमारा कटलेट मिक्सर रेडी हो चुका है। अभी मिक्सर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के ठंडा होने दे। अभी हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और बॉल बनाएंगे। और बीच में से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और कटलेट का शेप देंगे। अगर आपको कौन सा भी अलग शेप देना होगा तो आप वो शेप भी दे सकते हो। अभी ध्यान से एक प्लेट में रख देंगे। अभी बचा हुआ मिक्सचर को भी सेम प्रोसेस से कटलेट बनाएंगे। अभी हमारे कटलेट रेडी हो चुकी है शैलो फ्राई के लिए। अभी इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अभी एक बाउल लेंगे और उस बाउल में 1 कप फ्लार यानी मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर बना लेंगे। बैटर बनाते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, बैटर ज़्यादा जाड़ा ना ही पतला होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लो। अभी आप देख सकते हैं हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अभी यहाँ मैंने 2 कप ब्रेड क्रम्स लिए। अभी एक एक करके कटलेट मैदा के बैटर में कोट कर लेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम के बैटर में कोट कर लेंगे। चारों तरफ से ब्रेड क्रम अच्छे से कोट होने चाहिए।
सेम प्रोसेस से बाकी कटलेट को भी अच्छे से कोट कर लेंगे। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है शैलो फ्राई के लिए। अभी एक एक करके हम पैन में कटलेट ऐड करेंगे और फ्राई होने देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे जब तक वो गोल्डन कलर में चेंज ना हो। अभी एक एक करके फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे जब तक वो गोल्डन कलर में चेंज ना हो। अभी हमारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। अभी उसे अच्छे से टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अभी हमारे कटलेट को एक प्लेट में अच्छे से सजा लेंगे। अभी हमारे कटलेट रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।